हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका एक बार फिर से जस्ट नॉलेज पर। मेरा नाम है कुमार विनय और इस वीडियो में हम लोग भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों के अंतर्गत पर्वतीय वन और अनूप या वेलांचली वनों के बारे में डिस्कस करेंगे। हम लोग क्लास 11 की एनसीईआरटी को डिस्कस कर रहे थे और उसमें यह हमारा पाँचवा अध्याय चल रहा है। पाँचवें अध्याय में यह हमारा भाग दो होगा जिसमें हमें पर्वतीय वन और वेलांचली या अनूप वन के बारे में पढ़ना है। देखिए, प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में हम लोगों ने भाग एक में बात की थी। वहाँ पर मैंने आपको बताया था कि किस तरह से भारत की प्राकृतिक वनस्पतियों को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था कि भारत की जो प्राकृतिक वनस्पतियाँ हैं उनको हम पांच भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हमारा कौन सा हुआ, उष्णकटिबंधीय सदाबहार या अर्ध सदाबहार वन। दूसरा क्या हुआ, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। तीसरा हमारा था उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ या कांटेदार वन। तीसरा हमारा चौथा हमारा था पर्वतीय वन और पाँचवा था अनूप या वेलांचली वन। तो जो ऊपर के तीन वन थे उनके बारे में डिटेल में हम लोगों ने बात की थी पिछले वीडियो में। मैंने आपको बताया था कि ये वनस्पतियां क्यों उगती हैं, उनके तापमान के बारे में, वहां की वर्षा के बारे में और कौन कौन सी वनस्पतियां किस वन क्षेत्र के अंतर्गत आती हैं, इन सब के बारे में हम लोगों ने डिटेल में बात की थी। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले उसको देख लीजिए, फिर आप इसको देखेंगे तो इससे आपको ज्यादा बेनिफिट होगा। तो चलिए ज्यादा देर ना करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और बात करते हैं हम लोग पर्वतीय वनों के बारे में। पर्वतीय वन जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है तो जाहिर सी बात है कि पर्वतीय वन की अगर बात की जा रही है तो ये कहाँ पे मिलेंगे, हमको पर्वतों पर मिलेंगे। और पर्वत हमारे देश में कहाँ पर है, एक तो हमारा हुआ उत्तर हिमालय का पर्वत और दूसरे हमारे हुए पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट यानी कि प्रायद्वीपीय भारत के पर्वत भी आप उसे कह सकते हैं या दक्षिण भारत के पर्वत भी आप उसे कह सकते हैं। तो इस तरह से कुल मिला करके प्राकृतिक वनस्पतियां जो हमारे पर्वतों पर पाई जाती हैं उनके आधार पर हम लोग दो भागों में कैटेगराइज करते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं हमारे पर्वतीय वनों को। पहला हमारा हुआ उत्तर पर्वतीय वन और दूसरा हमारा हुआ दक्षिण पर्वतीय वन। इस तरह से हम लोगों ने दो भागों में इसे डिवाइड कर दिया। अब चलिए एक एक करके इसको समझते हैं कि आखिर में उत्तर पर्वतीय वन क्या है और दक्षिण पर्वतीय वन क्या है। यहाँ पर देखिए क्या बताया जा रहा है कि जैसे जैसे हम लोग पर्वतों से ऊपर जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं स्थलखंड से तो ऊंचाई बढ़ने के साथ में तापमान में कमी आती है। तो इसीलिए जो हमारे उष्णकटिबंधीय वन हैं कहाँ पर, पर्वतीय क्षेत्रों में, वह टुंड्रा प्रकार की वनस्पतियों में बदल जाते हैं, क्योंकि टुंड्रा प्रकार की जो वनस्पतियाँ होती हैं वो मुख्य रूप से वहाँ पर पाई जाती हैं जहाँ पर तापमान बहुत ही कम होता है। मैं आपको विश्व भूगोल के अंतर्गत इसे बाद में एक्सप्लेन करूँगा अच्छे से टुंड्रा टाइप के बारे में। जैसे हमने जो हमारे विश्व स्तर पर वनस्पतियां पाई जाती हैं उनको टोटल 12 भागों में डिवाइड करते हैं, तो उन्हीं 12 भागों में से एक हमारा टुंड्रा भी है, तो टुंड्रा के बारे में हम लोग जानेंगे। फिर कहा जा रहा है कि हिमालय के गिरिपाद पर पर्णपाती वन पाए जाते हैं। पर्णपाती वनों के बारे में हमने जाना था, पर्णपाती भी दो प्रकार के होते हैं, एक शुष्क पर्णपाती वन, एक दूसरा होता है आर्द्र पर्णपाती वन। शुष्क मतलब जो हमारे सूखे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर तापमान बिल्कुल कम होता है या आर्द्रता नहीं होती है। दूसरे ऐसे पर्णपाती वन होते हैं जहाँ पर आर्द्रता पाई जाती है, ह्यूमिडिटी पाई जाती है, वहाँ के बारे में बात की थी। इसके बाद में जैसे जैसे हम लोग 1000 से 2000 मीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ पर हमें आर्द्र शीतोष्ण कटिबंधीय प्रकार के वन मिलते हैं। उत्तर पूर्व भारत की उच्चतर पहाड़ी श्रृंखलाओं और पश्चिम बंगाल और उत्तरांचल के पहाड़ी इलाकों पर चौड़े पत्ते वाले ओक और चेस्टनट के सदाबहार वन पाए जाते हैं। तो आप लोग देख रहे होंगे कि नाम भले इनका पर्वतीय वन है लेकिन यहाँ पर अलग अलग ऊंचाई पर जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पर जाते हैं वैसे वैसे इन इनमें जो वनस्पतियाँ पाई जाती हैं उनमें भी परिवर्तन होता जाता है। फिर अगर हम लोग बात करें 1500 से 1750 मीटर की ऊंचाई पर तो यहाँ पर चीड़ के वन पाए जाते हैं। ठीक है, हिमालय के पश्चिमी भाग में हमें देवदार के वृक्ष भी मिलेंगे। देवदार के बारे में आपने तो सुना ही होगा कि देवदार की लकड़ी जो होती है बहुत ही मजबूत होती है और प्राचीन समय में जो इमारतें बनती थी वो मुख्य रूप से इन्हीं लकड़ियों की बनती थी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें चिनार की, वालन की, तो इनकी लकड़ी भी कश्मीर में हस्तशिल्प के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर सारी डिटेल दी हुई है कौन कौन सी वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जैसे क्यूपाइन और स्प्रूस 2.225 से 3.048 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। इसी ऊंचाई पर कई स्थानों पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास भी उगती है, जैसे अगर जम्मू कश्मीर में हम जाएंगे तो वहाँ पर रूपसू नाम की एक घास यहाँ पर पाई जाती है। हिमालय जो हमारा बृहद हिमालय है उसके यहाँ पर रूपसू नाम की एक घास भी पाई जाती है। तो इससे अधिक ऊंचाई पर अल्पाइन वन और चारागाह पाए जाते हैं। 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई पर अगर हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर सिल्वर फर, जूनियर पाइन, बर्थ और रोडोडेंड्रॉन के वृक्ष के बारे में मैंने आपको बताया था कि अरुणाचल प्रदेश में अभी रोडोडेंड्रॉन पार्क बनाया जा रहा है। करंट अफेयर की वीडियो में मैंने आपको इसे बताया था कि रोडोडेंड्रॉन पार्क भी बनाया जा रहा है जहां पर बहुत सारी व्यवस्थाएं की जाएंगी पर्यटकों के लिए।
उसके अलावा जो हमारे ऋतु प्रवास करने वाले समुदाय होते हैं, यानी कि जो ऋतुओं के अनुसार अपना स्थान बदलते रहते हैं, जैसे हमारे गुज्जर हो गए, बकरवाल हो गए, गद्दी हो गए, भुटिया हो गए, तो इन लोग क्या करते हैं कि ये लोग हमारे मौसम के अनुसार ही प्रवास करते हैं। ठीक है, जैसे शुष्क उत्तरी ढालों की तुलना में अधिक वर्षा वाले हिमालय के दक्षिण भाग पर अधिक वनस्पतियाँ पाई जाती है, अधिक ऊंचाई वाले भागों में टुंडा वनस्पति जैसे मांस और लाइकन आदि पाई जाती है। तो ये जो प्रवासी होते हैं ये क्या करते हैं कि जैसे मान लीजिए जहाँ पर वनस्पतियाँ अच्छे से पाई जाती हैं, जहाँ पर घास पाए जाते हैं, तो इनके पास क्या होते हैं कि जानवर होते हैं, तो इनको जानवरों के लिए चारे की सुविधा के लिए ये प्रवास करते रहते हैं। और जिस स्थान पर वनस्पतियाँ पाई जाती हैं, जैसा जहाँ का मौसम होता है उसी के अनुसार वो उस स्थान पर ये जाया करते हैं। फिर हम अगर बात करें दक्षिण पर्वतीय वनों के बारे में, तो ये हमने पर्वतीय वनों के बारे में बात कर ली। उत्तर पर्वतीय वन जो हमारे हिमालयन रेंज में पाए जाते हैं, यानी कि जम्मू कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक, वहाँ के बारे में थोड़ी सी बात की। अब हम क्या करेंगे, हम बात करेंगे दक्षिण पर्वतीय वन मुख्यतः जो प्रायद्वीपीय वन है। ठीक है, तो इन्हें हम लोग तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं, जैसे हमारा क्या क्या हुआ, पश्चिमी घाट हुआ, विंध्याचल हुआ, नीलगिरी पर्वत श्रृंखलाएं हुए। ठीक है, तो देखिए ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत हुआ, यहाँ पर हमारा पश्चिमी घाट हुआ, यहाँ पर हमारा है क्या नाम, नीलगिरी। नीलगिरी क्या होता है, यहाँ पर पलनी की पहाड़ियाँ पश्चिमी घाट यानी कि सह्याद्री और पूर्वी घाट अगर के लगभग मिलती हैं, तो ये एक जंक्शन है, इसीलिए इसे कहते हैं नीलगिरी घाट भी कहते हैं। उसके अलावा हम लोग विंध्याचल जो मध्य प्रदेश में पाया जाता है, इनके बारे में बात करेंगे। और इसी तरह से प्रायद्वीपीय भारत के जो वन पाए जाते हैं इनको हम तीन भागों में डिवाइड कर सकते हैं। चूंकि ये श्रृंखलाएं जो है वो उष्णकटिबंध में पड़ती हैं, उष्णकटिबंध में क्यों पड़ती हैं, क्योंकि जो हमारा ये भारत हुआ ये इसके बीचों बीच से गुजरती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, और कर्क रेखा के हम लोग जैसे जैसे दक्षिण में जाएंगे वह पूरा जो रीजन होता है वह आता है हमारा उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में। इसीलिए यहाँ ऊंचाई वाले क्षेत्र में शीतोष्णकटिबंधीय और निचले क्षेत्रों में उपोष्णकटिबंधीय प्राकृतिक वनस्पतियां पाई जाती हैं। केरल और तमिलनाडु और कर्नाटक के प्रांत की अगर हम बात करें, यानी कि जहां पर पश्चिमी घाट है, तो इस तरह की वनस्पति विशेषकर से पाई जाती है। नीलगिरी, अन्नामलाई, पालनी पहाड़ियां पर पाए जाने वाले शीतोष्णकटिबंधीय वनों को ये ध्यान रखिएगा कि इसे हम लोग सोलास कहते हैं, जो हमारे नीलगिरी पर, अन्नामलाई पर और पालनी पहाड़ियां। ठीक है, अन्नामलाई कहां पर है, यही केरल पर है, पश्चिमी घाट का ही भाग है अन्नामलाई। इसकी जो सबसे ऊंची चोटी है अन्नामुडी। ठीक है, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अन्नामुडी। दूसरा हमारा है दोदा बेटा। ठीक है, दोदा बेटा जो कि पाया जाता है पूर्वी पलनी हिल पर। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर के बारे में बात की जा रही है सभी प्रकार के, जैसे नीलगिरी की बात कर ली हमने, अन्नामलाई की बात करें या पलनी पहाड़ियों की बात करें, तो यहाँ पर हमें शीतोष्णकटिबंधीय वन के प्रकार मिलते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं सोलास। तो इस प्रकार के वनों में पाए जाने वाले वृक्ष जो हमारे हैं, जैसे मैग्नोलिया हुए, लरेल हुए, सिंकोना हुए और कैटल, ये सभी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, महत्वपूर्ण वृक्ष पाए जाते हैं, क्योंकि इनका उपयोग फर्नीचर के रूप में किया जाता है। इस फिगर में आप लोग हमारे देश के पर्वतीय वनों के बारे में देख सकते हैं। ठीक है, तो पर्वतीय वनों के बारे में बस खास तौर पे इतना समझिए कि जैसे जैसे हम लोग पर्वतों पे जाते हैं, यानी कि टोटल वनस्पतियां डिपेंड करती हैं ऊंचाई पर। ठीक है, पर्वत की ऊंचाई किस प्रकार की है यही डिपेंड करता है वहां पर वनों का प्रकार किस प्रकार का होगा। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने लास्ट टाइप के वन के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है वेलांचली या अनूप वन। तो भारत में विभिन्न प्रकार के आद्र व अनूप आवास पाए जाते हैं, जैसे अगर हम इनकी बात करें तो ये वो क्षेत्र हैं जिनके 70% भाग पर चावल की खेती की जाती है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, चावल की खेती कहाँ की जाती है, ऐसे क्षेत्र जहाँ पर पानी की प्रचुरता हो। तो पानी की प्रचुरता होगी तो ऐसे मुख्य रूप से मान सकते हैं कि जो हमारा उत्तरी भारत का पूरा मैदान होकर के आता है, ऐसे रीजन में ये चीज़ें पाई जाती हैं, यानी कि अनूप वन यहाँ पर पाए जाते हैं। भारत में लगभग 39 लाख हेक्टेयर भूमि जो है वो आद्र है। ठीक है, उड़ीसा में चिल्का और भरतपुर के केवला देव राष्ट्रीय पार्क अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आद्र भूमियों के अधिवेशन यानी कि रामसर अधिवेशन के अंतर्गत रक्षित जलकुक्कुट आवास है। अंतर्राष्ट्रीय अधिवेशन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों के बीच में एक समझौता है। यह आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो ये हमारा इंटरनेशनल अधिवेशन होता है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होती है, ये संयुक्त राष्ट्र के जितने भी मेंबर कंट्री हैं 193 उनके बीच में एक समझौता है। तो हमारे देश में जो आद्र भूमियाँ पाई जाती हैं, ठीक है, आद्र भूमियाँ पाई जाती हैं उनको हम लोग 8 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वे 8 भाग कौन कौन से होते हैं। पहला हमारा हुआ दक्षिण में दक्कन पठार के जलाशय और दक्षिण पश्चिमी तटीय क्षेत्र की लैगून व अन्य आद्र भूमि। सेकंड हमारा हुआ राजस्थान, गुजरात और कच्छ की खारे जल वाली भूमि। तीसरा हमारा हुआ गुजरात, राजस्थान से पूर्व केवला देव राष्ट्रीय पार्क और मध्य प्रदेश की ताजा जल वाली झीलें व जलाशय।
चौथा हमारा हुआ भारत के पूर्वी तट पर डेल्टाई आर्द्रभूमि व लैगून चिल्का झील आदि। पांचवा हमारा हुआ गंगा के मैदान में ताजा जल वाले कच्छ क्षेत्र, ब्रह्मपुत्र घाटी के बाढ़ के मैदान व उत्तर पूर्वी भारत और हिमालय गिरिपथ के कच्छ और अनूप क्षेत्र। छठा हमारा हुआ कश्मीर और लद्दाख की पर्वतीय झीलें और नदियां। सात और हमारा आठवां हुआ अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के द्वीप, चापो के मैंग्रोव वन और दूसरे आर्द्र क्षेत्र। यहां पर बात की जा रही है मैंग्रोव वनों के बारे में, ठीक है। तो मैंग्रोव वन के बारे में सबसे पहली बात याद ध्यान रखिए कि मैंग्रोव वन वहां पर उगते हैं जहां पर जो जल की उपलब्धता होती है वो खारा होता है, यानी कि जहां पर समुद्र आता है, समुद्री जल आता है, वहां पर मैंग्रोव वन पाए जाते हैं। तो ये वन देखिए, मैंग्रोव लवण कच्छ, ज्वारीय सकरी खाड़ी और पंख मैदानों और ज्वार नद मुख्य तटीय क्षेत्रों पर उगते हैं। इनमें बहुत से लवण से न प्रभावित होने वाले पेड़ पौधे होते हैं, जैसे जो हमारा सुंदरवन डेल्टा है, ठीक है। सुंदरवन डेल्टा कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। किसके द्वारा बनाया जाता है? गंगा नदी के द्वारा। तो गंगा नदी के द्वारा बनाया जाने वाला सुंदरवन डेल्टा, आपको पता होना चाहिए कि उसका नाम सुंदरवन इसलिए रखा गया है क्योंकि वहां पर सुंदरी नाम की एक वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। इसी के कारण उसका नाम सुंदरवन रखा गया है। और वो जो डेल्टाई रीजन है वो उसमें पूरा समुद्री जल भरा हुआ होता है और वहीं पर हमारे उस डेल्टे में ये सुंदरी नाम की वनस्पति पाई जाती है। फिर अगर हम लोग भारत में मैंग्रोव वनों के बारे में बात करें तो मैंग्रोव वन जो हमारे देश में है वो 6,740 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले हैं, जो विश्व के टोटल मैंग्रोव वनों के 7% हैं। वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पश्चिम बंगाल के सुंदरवन डेल्टा से अत्यधिक विकसित है, ठीक है। पश्चिम बंगाल में सुंदरवन डेल्टा से अत्यधिक विकसित हैं। इसके अलावा ये महानदी गोदावरी और कृष्णा नदियों के डेल्टाई भाग में पाए जाते हैं। मैंने आपको बताया था ना कि ये डेल्टाई भागों में मिलते हैं, जहां पर डेल्टा बनाती हैं वहीं पर ये मैंग्रोव टाइप के हमारे वन मिलते हैं। ये आप देख सकते हैं मैंग्रोव वन की इमेज यहाँ पर दी गई है। तो ये हम लोगों ने बात कर ली है मैंग्रोव वनों के बारे में। इन वनों के बढ़ते अतिक्रमण के कारण इनका जो संरक्षण है वो आवश्यक हो गया है कि बहुत सारे लोग हैं जो इन वनों की लकड़ियों को काट के ले जाते हैं या इन वनों को समाप्त कर रहे हैं। तो इसीलिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम भी चलाई थी मैंग्रोव वनों के संरक्षण के बारे में। तो ये हम लोगों ने वन क्षेत्रों को समाप्त कर लिया है। अब हम लोग बात करेंगे भारत में वन आवरण के बारे में। तो अभी आपने देखा होगा कि वन की रिपोर्ट भी आई थी हमारे देश में। तो पहले हम लोग प्राचीन रिपोर्ट को जान लेते हैं जो इस चैप्टर में दिया हुआ है, उसके बाद में मैं आपको थोड़ा सा अपडेट करवाऊंगा जो नई रिपोर्ट आई है। हमारे देश में जो राजस्व विभाग के आंकड़े हमको मिले हैं उनके अनुसार जो भारत में वनों का प्रतिशत है वो 23.28% है, ठीक है। यानी कि भारत के 23.28% भाग पर वन पाए जाते हैं। लेकिन देखिए, वन क्षेत्र और वास्तविक वन आवरण, ठीक है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई क्षेत्र हुआ, इसको हमने वन क्षेत्र घोषित कर दिया, लेकिन पता लग रहा है कि यहाँ पर कोई वनस्पति ही नहीं है। मतलब वन क्षेत्र तो पहले घोषित हो गया था उस समय, लेकिन मान लीजिए इस समय ऐसी स्थिति है कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं पाई जाती है। और एक हमारा होता है वास्तविक वन क्षेत्र, कि मान लीजिए इसको अभी वन क्षेत्र घोषित नहीं किया गया था लेकिन यहाँ पर हमारे वन पाए जा रहे हैं। तो इसी आधार पर राजस्व विभाग के आधार पर अधिसूचित क्षेत्र है वन क्षेत्र, जहां पर चाहे वृक्ष हो या ना हो, जबकि वन आवरण प्राकृतिक वनस्पतियों का झुरमुट है और वास्तविक रूप से वनों से ढका हुआ है। वन क्षेत्र राज्यों के राजस्व विभाग से प्राप्त होता है, जबकि वन आवरण की पहचान वायु चित्रों और उपग्रह की प्राप्त चित्रों से की जाती है। इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2011 के अनुसार भारत में वास्तविक वन आवरण केवल 21.05% है, ठीक है। हमने राजस्व के आंकड़े देखे उसमें 23.28% था, लेकिन जब हम लोग जो हमारा वास्तविक वन आवरण क्षेत्र है उसके बारे में बात करते हैं तो ये हमारा हो जाता है 21.05% घट करके। उनमें से 12.29% भाग सघन वन है और 8.75% भाग विवृत वन पाए जाते हैं, यानी कि जो इन्हें बिरल कहते हैं। जैसे हमारे 12.29% भाग पर सघन वन पाए जाते हैं और उससे आगे हमें बिरल वन मिलते हैं, मतलब जो वहाँ की वनस्पतियाँ होती हैं वो काफ़ी दूर दूर होती हैं। जितने भी हमारे देश में वन क्षेत्र पाए जाते हैं या वन आवरण पाए जाते हैं, इनमें दोनों में राज्यवार भिन्नता पाई जाती है। जैसे देखिए, यहाँ पर लक्षद्वीप में जो वन क्षेत्र है
यहाँ पर जो हमारे वन क्षेत्र पाए जाते हैं वो बिल्कुल शून्य है, ठीक है। और अंडमान निकोबार में अगर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर 86.93% वन क्षेत्र पाए जाते हैं। 10% से कम वन क्षेत्र वाले राज्य मुख्य तौर पर देश के उत्तर और उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित हैं। यानी कि जैसे जैसे हम लोग अपने देश के उत्तर में जाएंगे या उत्तर पश्चिमी भागों में जाएंगे, जैसे हम लोग बात करें अगर राजस्थान की, हिमाचल की, पंजाब की, या हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की, दिल्ली की, हरियाणा की, तो यहाँ पर आपको जो वन क्षेत्र हैं, जो हमारे वन क्षेत्र हैं, वो 10% भी आपको कम मिलेंगे। ये राज्य हमारे राजस्थान हुए, गुजरात हुए, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली हैं। गुजरात, राजस्थान और हरियाणा में तो अर्धशुष्क इलाके हैं। यानी कि अर्धशुष्क का मतलब क्या हुआ कि जहां पर अर्धशुष्क इलाका होगा वहां पर किसी प्रकार की वनस्पति पाए जाने के चांसेस वैसे भी कम हो जाते हैं। पंजाब और हरियाणा में अधिकतर वनों में कृषि के लिए साफ कर दिया गया है। तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से हैं जिनके 10 से 20% भाग पर वन पाए जाते हैं। प्रायद्वीपीय भारत की अगर हम बात करें तो दादरा और नागर हवेली पर तमिलनाडु और गोवा को छोड़कर शेष सभी राज्यों में 20 से 30% भाग पर वन पाए जाते हैं। यानी कि अगर हम चले जाएं अपने प्रायद्वीपीय भारत में तो वहां पर अगर हम दादरा और नगर हवेली को छोड़ दें, तमिलनाडु और गोवा को छोड़ दें, तो जितने भी राज्य आपको मिलेंगे वहां पर 20 से 30% भूमि पर वन पाए जाते हैं। उत्तर पूर्वी राज्यों में 30% से अधिक भूमि पर वन पाए जाते हैं। पर्वतीय स्थलाकृति और अधिक वर्षा वन विकास के लिए उपयुक्त होती है। फिर अगर हम आगे बात करें कुछ इन्हीं के क्षेत्रों के बारे में, तो वन क्षेत्र की तरह वास्तविक वन आवरण भी भिन्नताएं पाई जाती हैं। जैसे अगर हम लोग जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो वहां पर 9.5% में, अंडमान निकोबार में 84.01% तक है, ठीक है। यहाँ पर भी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। अभी नीचे एक तालिका दी गई है, वहां पर अच्छे से बताया गया है वास्तविक वन आवरण के अधीन क्षेत्रों के आधार पर राज्यों को 4 प्रकार के भागों में बांटा जा सकता है। देखिए, ऐसे क्षेत्र जहां पर अधिक वन संकेंद्रण वाले प्रदेश हैं, यानी कि जो वहां पर टोटल लैंड है, मान लीजिए ये 100% हुआ, तो यहां पर 40% संकेंद्रित है। मध्यम वन की बात करें तो जहां पर 20 से 40% भाग पर वन पाया जाता है। कम संकेंद्रण की बात करें तो जहां पर 10 से 20 पाया जाता है। और अति कम की बात करें तो ऐसा क्षेत्र जहां पर 10% से भी कम पाया जाता है। तो ये तो हमने जो रिपोर्ट देखी ये लगभग 2011 के बारे में थी, ठीक है। यहाँ पर कुछ फैक्ट दिए हुए हैं, इसको हम लोग पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन थोड़ा सा देख लेते हैं। वन और जीवन के बारे में, यानी कि रिलेशन बताया गया है कि फॉरेस्ट और जो हमारा लाइफ होता है उसके बीच क्या रिलेशन होता है। असंख्य जनजातीय लोगों के लिए वन एक आवास, रोजी रोटी और अस्तित्व है। वह इन्हें भोजन, फल और खाने लायक वनस्पति, शहर, पौष्टिक जड़ें, शिकार के लिए वन्य जानवर प्रदान करते हैं। ये उन्हें घर बनाने का सामान और कलाकार की वस्तुएं देते हैं। जनजातीय समुदायों के लिए वनों का महंगा महत्ता सभी जानते हैं क्योंकि ये उनके जीवन और आर्थिक क्रियाओं के आधार हैं। साधारण यह माना जाता है कि भारत में 593 जिलों में से 188 जनजातीय जिले हैं। ये जनजातीय जिले भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 33.63% हिस्सा हैं, परंतु देश का 59.61% वन आवरण इन्हीं जिलों में पाया जाता है। इससे पता चलता है कि जनजातीय जिले वन संपदा के धनी हैं। अब देखिए यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है, यहाँ पर यह बताया जा रहा है कि भारत में जो 593 जिले हैं उनमें 188 जिले ऐसे हैं कि जहाँ पर जनजातियाँ पाई जाती हैं। और अगर हम इन जनजातियों के जिलों की बात करें तो यहाँ पर यह पूरा हिस्सा जो हमारा लैंड का है, देखिए अगर हम लोग जनजातीय जिलों की बात करें तो ये पूरे हमारे देश के हिस्से का 33.63% है। लेकिन इस 33.63% हिस्से में जो वन पाए जाते हैं वो लगभग 60% के आसपास पाए जाते हैं। तो यहाँ से क्या पता चल रहा है कि जितने भी हमारे जनजातीय ट्राइबल पीपुल हैं उनके पास वनों की संपदा ज़्यादा है, उन जिलों में वन ज़्यादा पाए जाते हैं। वनों और जनजाति समुदायों के घनिष्ठ संबंध हैं और इनमें से एक निकास विकास दूसरे के बिना असंभव है। वनों के विषय में इससे प्राचीन व्यवहारिक ज्ञान को वन विकास में प्रयोग किया जा सकता है। जनजातियों के वनों से गौण उत्पाद साझा संग्रह करने वाले न समझकर उन्हें वन संरक्षण में भागीदार बनाया जाना चाहिए। तो यहाँ पर थोड़ी सी एडवाइस दी गई है कि हमें जो हमारे ये ट्राइबल पीपल होते हैं इनके वनों के महत्व के बारे में समझाया जाना चाहिए और इन्हें जागरूक किया जाना चाहिए संरक्षण को लेकर वनों के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जाना थोड़ा सा वन में आवरण क्षेत्र के बारे में। अब हम जो इस बार की रिपोर्ट आई है उसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इस बार में जो रिपोर्ट आई है वहाँ उसमें बताया गया कि भारत में जो वनों का आवरण है, ठीक है, जो वास्तविक वन आवरण क्षेत्र है उसमें थोड़ी सी वृद्धि हुई है, ठीक है। तो देखिए जो अभी हाल ही में सर्वे आया है, यह सर्वे किसके द्वारा आया है, FSI के द्वारा, यानी कि फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया
फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया यानी कि भारतीय वन सर्वेक्षण के द्वारा यह सर्वे प्रकाशित किया गया है। और यह सर्वे जो हमारा होता है यह प्रत्येक साल 2 वर्षों पर प्रकाशित किया जाता है। तो इस सर्वे में कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे 2015 के बाद में 2017 में यह सर्वे हुआ था, तो 2015 से 2017 के बीच में जो हमारे भारत में वन क्षेत्रों में वृद्धि हुई है, ठीक है, और यह वृद्धि 0.21% हुई है, यह बताया गया है इस सर्वे के अंतर्गत। ध्यान रखिएगा कि यह जो हमारा सर्वे होता है यह पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के अंतर्गत यह सर्वे आता है। इसमें एक चीज और बताई गई है कि जो हमारे उत्तरी पूर्वी राज्य हैं, ठीक है, अगर हम उत्तरी पूर्वी राज्यों की बात करें तो जैसे हमारा मेघालय हुआ, नागालैंड हुआ, त्रिपुरा हुआ, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पर जो हमारे वन क्षेत्र हैं यानी कि वन आवरण जो क्षेत्र यहाँ पर पाए जाते हैं उनमें कमी पाई गई है, ठीक है, जो पहले यहाँ का वन आवरण क्षेत्र था उसके कंपैरिजन में इनमें अब कमी पाई गई है, ठीक है, ये बताया गया है इस सर्वे में। लेकिन अगर हम लोग जाते हैं अपने दक्षिण भारत में, तो दक्षिण भारत में अगर हम लोग देखते हैं कुछ प्रदेशों को, जैसे हम बात करें तेलंगाना की, अरुणाचल प्रदेश की, उड़ीसा की, कर्नाटक की, केरल की, तो यहाँ पर आपको जो वन क्षेत्र हैं उनमें वृद्धि मिलेगी। देखिए ये हमारा हुआ पूरा भारत, यहाँ पर हमारा हुआ पूरा पूर्वी, ठीक है, उत्तर पूर्वी भारत, तो यहाँ पर जो हमारे राज्य पाए जाते हैं जैसे हमारा क्या हुआ मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा और मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, इनके जो वन क्षेत्र हैं इनमें कमी पाई गई है। लेकिन यहाँ पर जो तेलंगाना हुआ, आंध्र प्रदेश हुआ, उड़ीसा हुआ, कर्नाटक हुआ और यहाँ पर केरल हुआ, यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो इनके वन क्षेत्रों में यानी कि वन आवरण क्षेत्रों में वृद्धि पाई गई है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि सबसे ज़्यादा प्रतिशत वन क्षेत्र लक्षद्वीप में पाया गया है, ठीक है। हमने क्या देखा था कि 2011 में लक्षद्वीप में बिल्कुल कुछ वन नहीं था, लेकिन अब हम लोग अगर बात करें प्रतिशत के आधार पर तो लक्षद्वीप में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र पाए जाते हैं। यानी कि अगर लक्षद्वीप में मान लीजिए 1000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन है, ठीक है, 1000 स्क्वायर किलोमीटर ज़मीन है, तो इस 1000 स्क्वायर किलोमीटर में 900 स्क्वायर किलोमीटर में अगर मान लीजिए वन क्षेत्र पाया जाता है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि लक्षद्वीप में 90% भाग पर वन क्षेत्र पाया जाता है, ठीक है, ऐसा हुआ लक्षद्वीप के बारे में। लेकिन सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र एरिया के हिसाब से पाया जाता है हमारे मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए मध्य प्रदेश में 2 लाख स्क्वायर मीटर ज़मीन है, ठीक है, और यहाँ पर पाया जाता है कितने पे, 20,000 पे, ठीक है। तो हालांकि टोटल प्रतिशत का तो 10 ही प्रतिशत भाग पर वन क्षेत्र पाया जाता है, लेकिन अगर लक्षद्वीप की हम 800 या 900 स्क्वायर किलोमीटर की बात करें तो उसके अपेक्षा कहाँ वहाँ पर 20,000 स्क्वायर किलोमीटर में ये पाया जा रहा है। तो इसीलिए हमारा प्रतिशत के आधार पर यानी कि टोटल लैंड के प्रतिशत के आधार पर, टोटल लैंड जो किसी राज्य में होता है उसके प्रतिशत के आधार पर सबसे ज़्यादा पाया जाता है लक्षद्वीप में। और सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र के दृष्टिकोण से अगर हम एरिया के दृष्टिकोण से बात करें तो वन आवरण हमारा सबसे ज़्यादा मिलता है मध्य प्रदेश में, ठीक है। इस बार का जो हमारा ये अध्ययन किया गया है यानी कि यह सर्वे किया गया है, यह पहली बार सैटेलाइट मैपिंग के जरिए किया गया है। यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि सैटेलाइट मैपिंग के जरिए इस बार का यह सर्वेक्षण किया गया है। तो ये हमने इस बार के कुछ सर्वेक्षण के बारे में जाना था। वन संरक्षण के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि यहाँ पर बताया गया है वनों का जीवन और पर्यावरण के साथ जटिल संबंध है। वन प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से हमें बहुत अधिक व सामाजिक लाभ पहुँचाते हैं, अतः वनों के संरक्षण की मानवीय विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। फलस्वरूप सरकार ने पूरे देश के लिए वन संरक्षण नीति, ध्यान रखिएगा, 1952 में यह लागू की गई थी और 1988 में इसे फिर संशोधित किया गया था। इस नई वन नीति के अनुसार सरकार सतत पोषणीय वन प्रबंध पर बल देगी, जिसके एक ओर वन संसाधनों का संरक्षण और विकास किया जाएगा और दूसरी तरफ स्थानीय लोगों को आवश्यकताओं को भी पूरा किया जाएगा। इस वन नीति के निम्नलिखित उद्देश्य थे, तो इन उद्देश्यों को हम लोग जान लेते हैं। देखिए भारत सरकार इस बार की चीज़ों में भी बताया गया है, जो हमारा इस बार की रिपोर्ट आई है उसमें भी बताया गया है कि किसी भी देश में 33% वन क्षेत्र होने चाहिए, हालांकि उससे अभी भी हम बहुत ही दूर हैं। तो देश के 33% भाग पर वन लगाना जो वर्तमान राष्ट्रीय स्तर से 6% अधिक है। पर्यावरण संतुलन बनाए रखना और पारिस्थितिक असंतुलित क्षेत्रों में वन लगाना। थर्ड नंबर हुआ कि देश की प्राकृतिक धरोहर, जैव विविधता तथा अनुवांशिक पूल का संरक्षण, मृदा अपरदन और मरुस्थलीकरण पर रोकना व बाढ़ सूखा नियंत्रण। पांचवा हमारा है निम्नीकृत भूमि पर सामाजिक वानिकी और वन रोपण द्वारा वन आवरण का विस्तार। वनों की उत्पादकता बढ़ाकर वनों के निर्भर ग्रामीण जनजातियों को इमारती लकड़ी, ईंधन, चारा व भोजन उपलब्ध करवाना और लकड़ी के स्थान पर अन्य वस्तुओं का प्रयोग में लाना। सातवां हमारा हुआ पेड़ लगाने को बढ़ावा देने के लिए, पेड़ों की कटाई रोकने के लिए जन आंदोलन चलाना जिससे महिलाएं भी शामिल हों ताकि वनों पर दबाव कम हो। इस वन संरक्षण नीति के अंतर्गत निम्न कदम उठाए गए हैं, ठीक है, ये सारे कदम बताए गए हैं कि सामाजिक वानिकी के बारे में बात की गई है,
तो ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो के अगले पार्ट में देखेंगे। वहाँ पर हम लोग सामाजिक वानिकी, फार्म वानिकी, वन्य प्राणियों के बारे में और भारत में जो वन्य प्राणी संरक्षण है इनके बारे में हम लोग समझेंगे और इस अध्याय को समाप्त करेंगे। तो इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। आप लोगों ने अपना समय दिया, उसके लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर द लिसनिंग। जय हिंद, जय भारत।